आज हम अपनी नाइट टाइम रूटीन बताएंगे। तो ये अभी हम खाना खा रहे हैं और मेरी मम्मा वहाँ पे संभावना देख रही है, और टाइम हो गया है 8:30। तो 8:30 से हमने स्टार्ट किया है, अब देखते हैं कहाँ तक जाते। रूटीन में सबसे पहले हम जी मेडिसिन खा रहे हैं। ये मेरी मम्मा की मेडिसिन है और ये मेरी है। मुझे फीवर हुआ हुआ है और मेरे इंसान है शोल्डर में बड़ी पेन है, तो मैं उसकी खा रही हूँ। और मम्मा की तो जो मेडिसिन होती है वो ही खा रही हैं। तो मम्मा की कैंसर की, शुगर की, कैंसर की, शुगर की, मेदे की, बस नाक की रह गई है, बाकी सारी चीज़ों की, दर्द की। चाहे मम्मा मैं लोगों को दिखाऊंगी दवाई कैसे मुँह बना के खाती हूँ। दे आ मुझे पानी दे, मुझे दवाई खाना बिल्कुल नहीं पसंद। 2 दिन से मेरा बुखार नहीं उतरा। मैं स्माइल कर रही हूँ तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं है कि मुझे बुखार हुआ है। गोलियाँ दे दे के मुझे मार रहे हैं लोग। ऐसे दे दो, मेरी बोतल है, मेरी बोतल है। पान स्टैंड रखी तो दूसरी गोली नीचे गिर गई, फिर सारा टेस्ट पान स्टैंड का मुंह में आ गया। हाय हाय गंदी दवाई बना। तो आज मैं अपना नाइट टाइम रूटीन का व्लॉग बना रही हूँ। मैंने अपना नाइट सूट पहन लिया जो मैं पहन के सोती हूँ। और मैं यूजुअली सोने से पहले जनसा ना जिस टाइम मैंने ब्रश करना होता है तो मैं क्लिनजिंग भी कर लेती हूँ अपने फेस की, डीप क्लिनजिंग, क्योंकि पूरे दिन इतनी डस्ट होती है ना फेस पे, अच्छे से निकल जाती है साफ सुथरा। और दांत भी ब्रश करके आए हैं हम। और अब हम करेंगे अपना थोड़ा सा स्किन केयर। आपने परेशान नहीं होना, सोने नहीं लगी, मैं इतनी जल्दी सोती नहीं हूँ, बस मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ जो मुझे करने होते हैं, फिर उसके बाद मैं बस बेड पे पड़ी रहती हूँ बेड पे, और कुछ भी नहीं। सो अब हम करेंगे अपनी स्किन केयर। ओके चलो लेट मी शो यू। तो मैं ना आजकल ये वाला सीरम यूज़ कर रही हूँ, ऑर्डिनरी का, दी ऑर्डिनरी का। आप लोगों ने ये बहुत सी जगह में देखा होगा, ये काफ़ी फेमस है। मेरा फर्स्ट टाइम है इसको ट्राई करते हुए, मुझे 1 वीक से ज़्यादा हो गया इसको ट्राई करते हुए। आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रख सकते और आपने ये भी देखना कि आपको सूट करता है कि नहीं करता। एंड स्पेशली जब आपकी स्किन ब्रेक है तो बिल्कुल यूज़ मत कर। ये एक्चुअली एक्ने के लिए बहुत अच्छा है, सो मैं यूज़ भी थोड़ा एक्ने के लिए कर रही हूँ। मेरी स्किन तभी इतनी साफ सुथरी लग रही है। सो ये अच्छा है, बट इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी, मतलब आपने थोड़ा यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका फेस जलना शुरू हो जाता है। सो ये ध्यान रखना। मैं डे में सिर्फ नाइट टाइम ही यूज़ करती हूँ, वो भी थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, हर जगह पर मुझे एक्ने होती है, बट बाकी ये बहुत आपको ये सूट करता है। आप अपनी स्किन पर कहीं पर लगा के देख लो। मैंने जब फर्स्ट टाइम लगाया था तो मुझे कुछ भी नहीं था हुआ, बट हाँ मैंने फर्स्ट टाइम फिर मैंने 15 मिनट बाद थोड़ा सा और लगा दिया तो जलने लगी थी मेरी स्किन। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं एक दफ़ा सिर्फ इसको पिक करती हूँ ऐसे, और ये इतना आता है एक दफ़ा में, और इतनी ही क्वांटिटी आपके फेस के लिए पूरी है बस। मैं यूजुअली अपनी स्किन का ख्याल ना तब ज़्यादा रखना शुरू हो जाती हूँ जब इस पर सॉरी पिंपल्स आते हैं, वरना वैसे तो मैं कहती हूँ जाओ वार्ड में जा रही थी। बट अगर पिंपल्स के लिए भी मुझे करना होना तो सिर्फ मेरे पास यही होता है, मैं सिर्फ ये यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन ठीक हो जाती है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, ये मैग्नीफाइंग टूनर है तो जो स्किन अनइवन होती है उसको भी इवन करता है, और जो आपके स्कार्स रह जाते हैं एक्ने के उसको बहुत जल्दी रिकवर करता है। लाइक फर्स्ट डे में ही आपको रिजल्ट आ जाता है नज़र, मतलब इट्स बेस्ट टूनर। ये जनसन का है, ये मेरी पॉकेट में नहीं से आया हुआ है, और मैं इसको बचा के लगाती हूँ। जब भी मुझे एक्ने होती है तब भी लगाती हूँ, वरना नहीं लगाती क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। और अब मैंने ये बाय किया है, तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपने बैंग्स खोलूँगी। ओके कॉम चाहिए मुझे, इसको सेट करूँगी सही से। तुम किधर से आ गए इधर, चलो पीछे। बैंग्स को ओए ओए सेट करेंगे और उसके बाद हम लेट जाएंगे। उसके बाद मैं कुछ नहीं करती, उसके बाद फिर मैं लेट के चीज़ें देखती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी बहुत कि मैं क्या क्या देखती रहती हूँ पूरा दिन। मैंने 2-3 क्लिप्स बनाई थी जिसमें मैं सुबह मतलब सुबह नहीं रात को जो सा ना रात को आधी रात को मैं गाने सुन रही थी, सब सो जाते हैं तो सितारा की पार्टी शुरू होती है। तो मैंने वो थोड़ा सा दिखाया था, बट अब मैं आपको दिखाऊंगी कि साथ साथ ही मैं क्या देखती रहती हूँ फ़ोन पे, जो मैं इतनी बिजी रहती हूँ यू नो। सो
अब ना टाइम है। मैं ना कभी कभी मम्मा को हंसाने के लिए पता क्या करती हूँ, क्योंकि मम्मा मुझे ना अल्लाह ताला ने बस बनाते हो कहा कि इसमें मैंने सारी खूबसूरती डाल देनी है, मतलब इसको तो मैंने खूबसूरत तरीन पैदा कर देना दुनिया में और वो हंसने लग जाती है कि मैं अपनी इतनी तारीफ करती हूँ, व्हाई क्यों ना करूँ मैं। You can stop me loving myself. ये रात को मुझे ये वाले दोड़े बड़े पड़ते हैं। मुझे ना दिन नहीं पसंद, मुझे रात बड़ी पसंद है। रात बस अपन की है, मेरी है रात, जो मुझे करना मैं करूँगी। Pretty natural beauty of Allah. ये तरीका जब आपको कोई ना बोले कि आप खूबसूरत, तो अपने आप को खुद बोलो हम किसी से कम है क्या। इतनी खूबसूरत लड़की अल्लाह ताला ने पता नहीं कैसे ही बना दी है, मतलब अल्लाह। तो अब आई है मेरी एक्सेसरीज पहनने की, जो कि इधर है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये हूँ, मुड़ जा, ये चीज़ें मैं हमेशा पहन के रखती हूँ, तो ये जो ना मेरे पास ही रहती हैं। मैंने वो क्लींजिंग करने के लिए उतारी थी, अब हम दोबारा पहनेंगे। कहाँ कैमरा सेट करूँ जहाँ से मैं नज़र आऊँ ऐसे ऐसे। अरे यार तकिए पे कैमरा सेट करना थोड़ा मुश्किल। हाँ ठीक है, अब हम पहनेंगे ये। पहले ये मेरी सिंपल वाली जिंस है, वो मैं पहनूँगी। इसको पहनना भी थोड़ा मुश्किल है। खुद बंद करती हूँ मैं, आर्ट है आर्ट। पहन लिया मैंने, ऑल टाइम फेवरेट। ओह ओह, ये इसको क्या हो गया। मेरा नाम मेरा नाम, अब हम वो पहनेंगे। ओकी डोकी या इट्स अ ब्लू, ओकी डोकी या इट्स अ ब्लू। इसी तरह पहनना इसको थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड देख के पहनना पड़ता है। आगे की तरफ करेंगे और हम पहनेंगे। मैं इसकी स्पीड तेज़ काटूंगी। ये मैंने पहन लिया, उसके बाद ये मेरा कड़ा है, ये मैं पहन के रखती हूँ, ये भी पहन लेते हैं। ये हियर वी गो, कुछ पहन लिया गया है, हम अच्छे लग रहे हैं, हमें पता है। हियर वी गो। सो अब हम ले जाएंगे। एक्चुअली जब आप थोड़े टीनेजर में जाते हो ना, तो आपको थोड़ा पहन के रखनी चाहिए ज्वेलरी। मेरा तो दिल करता है कभी कभार, हाँ नहीं भी करता वैसे, लेकिन इतनी हल्की फुल्की तो मुझे पसंद है ज्वेलरी। मुझे बस कानों में कुछ पहनना नहीं पसंद, क्योंकि मेरे कान ही नहीं छिते हुए। आपने वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो जाकर देखेंगे मेरे कानों के साथ क्या हुआ था। इतने इतने सूज गए थे, नहीं इतने सूज गए थे। मैं देख रहा हूं, मैं थोड़ी सी ना लिपस्टिक लगाऊं, पर मेरे से उठा नहीं जा रहा उधर तक जाने नहीं। आई मैं इतनी डर गई हूं सच्ची, इतना दूर है ना, इतना दूर है, 100 मील दूर, मैं नहीं जा रही। चलो चलते हैं। हमने लगा लिया लिपस्टिक, की कैमरे में बेबी पिंक, बार्बी वाली पिंक क्यों नजर आ रही है, फिर रेडिश पिंक है, मतलब कलर सही नहीं नजर आ रहा। मैं चलो कोई नहीं है, ब्लश नहीं लगाया, ये तो नेचुरल लॉली है मेरे फेस पे। हाय एवरीवन, सो अभी इसलिए मैं इतनी बुरी लग रही हूँ मेरे बाल, क्योंकि मैं अभी अभी उठी हूँ। तो अभी 10 o'clock हो रहे हैं, तो मैं अभी अभी उठी हूँ, और सॉरी मैं भूल गई थी बाद में ब्लॉग बनाना, क्योंकि आपको पता ही है मैंने दवाइयाँ खाई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे ना बुखार था बहुत ज़्यादा, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो फिर मैं उसके बाद थोड़ा जो सोई ना, मैं मदहोश हो गई इतनी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ब्लॉग भी बनाना था और एंडिंग भी करनी थी। लेकिन आई थिंक उसके बाद कुछ मैंने ज़्यादा किया भी नहीं था। सो मैंने अभी मैं उठी हूँ, तो मैंने मुझे याद आया कि यार मैंने तो ब्लॉग एडिट भी करना है, तो फिर मैंने कहा कि चलो एंडिंग भी कर लेते हैं और सबको दिखा भी देते हैं कि अब हम डायरेक्ट सुबह ही उठे हैं। सो मैं अभी थोड़ा फ़ोन चला रही थी, उठते साथ मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मैं उठते साथ अपना मोबाइल चेक करती हूँ क्या क्या हो रहा है मेरी सोशल की दुनिया में, सोशल मीडिया पे क्या क्या हो चल रहा है। और उसके बाद फिर मैंने व्लॉग ऐसे या दैट्स इट फॉर द व्लॉग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और
शेयर करें, कमेंट करें, सब कुछ कहते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। अभी इसलिए मैं थोड़ा हल्का भी बोल रही हूँ बिकॉज अंदर मम्मा सो रही हैं। अभी वो सुबह तकरीबन मेरे ख्याल से 8 बजे सोई हैं। मैं बीच में जितनी दफ़ी आँख खुली है वो उठी हुई थी, उनकी तबीयत नहीं ठीक होती तो वो उठी रहती हैं, उनको सोना ही नहीं होता उनसे, तो अभी सोई हैं तो मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रही हूँ ताकि उनकी नींद ना ख़राब हो, अपनी नींद पूरी कर लें और मैं उठ गया हूँ। सो यार दैट्स इट फॉर द व्लॉग, आई होप यू लाइक इट, आई लव यू, प्लीज़ बाय बाय।